नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए सीपी सिंह ने आज पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिला के बाद श्री सिंह ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आधार पर अधिवक्ताओं से अपने लिए समर्थन मांगा। पूर्व महामंत्री अविरल कुमार ओझा ने सीपी सिंह का समर्थन करते हुए विश्वास जताया है कि सामाजिक कार्यों और अधिवक्ताओं के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सीपी सिंह के एक अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हृदय नारायण सिंह ने कहा कि सीपी सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, ये अब तक हुए अन्य अध्यक्ष गणों से बेहतर साबित होंगे। वादक कार्यों को न्याय मिलने में देर के लिए श्री सिंह प्रशासनिक न्यायाधीश की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय ध्यान दे। सुनिए सीपी सिंह, अविरल कुमार ओझा और हृदय नारायण ने क्या कहा। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। हमें हृदय नारायण सिंह, मेडिसिन सिंह एडवोकेट जी। ये आप किसका समर्थन कर रहे हैं अध्यक्ष पद पर? हम चंद्रपाल सिंह, एक निष्ठावान व्यक्ति हैं और बार एसोसिएशन के लिए वह सारी चीजें करेंगे जो बार हित के लिए उचित हो। आप एक सीनियर अधिवक्ता हैं, अपने जूनियर जितने अधिवक्ता हैं, तो आप क्या सीख देना, उनसे क्या कहना चाहते हैं? अगर ये अध्यक्ष पद के लिए उठे तो मतलब अपनी जूनियर को क्या कहना चाहते हैं, कैसे कार्य? हम कहेंगे कि इनको एक बार अवसर आप दीजिए या इनको बनाइए, अध्यक्ष बनाइए, और इनका जो है कि नहीं, तब जा करके वो आपको मालूम होगा कि किस तरह के लेते हैं, क्योंकि आज से पहले जो लोग भी रहे हैं उनमें इनमें अंतर समझ में आ जाएगा। आप तो बहुत सीनियर हैं। हाँ, 80 से हैं, सन वर्ष 80 से हैं। 80 में अभी 2024 में क्या फर्क दिखने को? बहुत फर्क है। पहले इतने अच्छे लोग थे कि हम लोग सीखते थे, और यदि इस तरह की बातें नहीं होती थी जो आज हो रही है। पहले न्यायालय सुचारू रूप से चलता था, न्यायिक अधिकारी भरपूर होते थे, आज वो स्थिति नहीं है। अब उसमें हम तो ये कहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का भी दोष है कि उतने जो है कि नहीं, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है जितना की चाहिए। न्यायालय छावनी में बदला रहता है। आपके जमाने में जब आपने वकालत शुरू किया था तो उस समय यदा कदा ही सिपाही दिखते होंगे, लेकिन अभी क्या है कि वो छावनी में बदला हुआ है। तो ये क्यों हुआ? आपको 20 साल 80 से हैं आप, तो आप इसका कमी क्यों हो गई कि छावनी बदल गई? जो छावनी बदल गई, इसमें हम यह कहेंगे कि कुछ माननीय उच्च न्यायालय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब हैं उनका भी कुछ इसमें रोल है कि जो एक बिल्डिंग इस लाइन से उस पार बन गई उसको यहाँ एडजस्ट किया जा सकता था, और एक कायदे से किनारे किनारे जो भी दुकानें हैं वहाँ एक अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती थी, वो नहीं हुआ। और अधिवक्ता तो भाई न्याय के लिए लड़ते हैं, जहाँ बैठ जाएंगे तो धूप में भी सहते हैं, गर्मी जो है लगती है, लेकिन वह व्यवस्था अब हम लोग किससे कहेंगे? वकील साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा उम्मीद न्यायपालिका पे होती है। हाँ, होती है। अगर कार्यपालिका नहीं होता है तो न्यायालय में लोग पीड़ित आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं इसे, और वो उम्मीद आजकल इसमें कचहरी में भी आने पे नई डेट पे डेट पड़ता है। महिलाएं बच्चे लेकर इधर उधर भटकती है, न्याय नहीं मिलता है, कितनी लड़कियां आत्मदाह कर लेती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, इस पे क्या कहना? नहीं, ये तो हम यह कहेंगे कि चूंकि बाधकारियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, और उस हिसाब से न्यायिक अधिकारी हमारे नहीं हैं जिसके कारण उनको न्याय मिलने में देरी है। ठीक जी, अपना परिचय दें। मैं अविरल कुमार ओझा, एडवोकेट, पूर्व महासचिव क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया। आज आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में हैं, इनमें क्या है? आपको खूबी दिखी कि आप इनके समर्थन में खड़े हैं? ये अधिवक्ता हित में समर्पित रहेंगे, और सोशल वर्कर, बेस्ट करेक्टर मैन हैं, और इनकी निष्ठा पे हम लोगों को अटूट विश्वास है। 4 कदम हर अधिवक्ता के दुख सुख में चलेंगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक। तो
आपको भी लगता है ना कि यहाँ की कोर्टें खाली रहती हैं, बदकारियों का और आप लोगों का, दोनों लोगों का बदकारी नहीं आती है तो अधिवक्ताओं का भी नुकसान होता है और लंबा खिंच जाता है तो देर न्याय में देर भी अन्याय के बराबर ही होती है। तो मतलब आपको भी लगता है तो अध्यक्ष जी से अगर ये चुने जाते हैं तो आपकी क्या इनसे अपेक्षा रहेगी? हमसे, हम लोगों की अपेक्षा इनसे रहेगी कि अगर न्यायालय खाली है, न्यायिक कार्य बाधित होता है, इससे इनके समर्थन को लेकर के हम माननीय चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय तक जाएंगे कि कोर्ट की भरपाई की जाए ताकि न्याय सुचारू रूप से अधिवक्ता और बदकारियों के हित में कार्य किया जा सके। बल सिंह, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और आज मैंने नामांकन किया है और मैं वह हर काम करूँगा जो संविधान के अनुरूप और अधिवक्ता हित में उचित हो। यह सबसे बड़ी बात इस कचहरी में होती है कि ज़्यादातर या तो कोर्ट खाली है या फिर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो स्ट्राइक लंबी चल जाती है। तो इस पर आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो इस परिस्थिति में आप कैसा रोल अपनाएंगे कि हड़ताल भी ना हो और कोर्ट भी खाली ना रहे? इस संबंध में हम अपनी बातें जो है, जो समस्याएं हैं कोर्ट में, उसको अपने कार्यकारिणी में रखेंगे। बहुत ज़रूरत होगा तो हम अपना सभा आयोजित करेंगे जिसमें आम सभा की मीटिंग होगी और उसमें उस बात को हम रखेंगे और उसके बाद हम हाईकोर्ट से रिकमेंड करेंगे, अपना बाहर का प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। आप अपने साथियों से जो अधिवक्तागण हैं उनसे अपने पक्ष में मतदान के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों आपको मतदान करें लोग, दूसरे को न करें, आपको क्यों करें? मेरी ईमानदारी और मेरी निष्ठा को देखते हुए हम हर अधिवक्ता बंधुओं से ये कहेंगे कि आप मुझे मतदान करें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।